और कैसे प्राप्त होती है? बोले बिना हरि की कृपा के नहीं प्राप्त होती। हम कितने भी माला जपते रहें, कितने भी पूजा पाठ करते रहें, परमात्मा जिसको चाहता है वही परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है। और परमात्मा को क्या पसंद है तो कहते हैं बनावटी बना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। परमात्मा ना बनावटी बना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। प्रमाण क्या है तो कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गाते हैं ना अपनी सुंदर शैली में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जल्दी प्राप्त कर सकता है और निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पसंद है। बनावटी भगवान को पसंद नहीं है। बन ठन करके बड़ी चमकीली धमकीली बन करके तो सूरपणखा भी गई थी ना भगवान के पास, पर क्या हुआ खुद तो अपनाया नहीं और दूसरे के लायक छोड़ा नहीं। तो जो भगवान से बनावटी दिखावा करते हैं ना तो भगवान फिर उनकी स्थिति यही कर देते हैं, स्वयं तो अपनाते नहीं हैं पर दिखावा वो कितना भी करे पर वो दूसरे के लायक भगवान उसको फिर छोड़ते भी नहीं। तो भगवान को भी यही पसंद है, क्या बोले निर्मल मन वाला व्यक्ति। और मन निर्मल कैसे होता है तो कहते हैं एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते, कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धयै न विद्यते। श्रीमद् भागवत के अलावा संसार का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम हमारे मन को निर्मल बना सके। श्रीमद् भागवत के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं। देखो हमारे तन को चमकाने धमकाने के लिए तो जाने कितनी कंपनियां बनी हैं और कितनी कंपनियों के अनेक तरह के प्रोडक्ट निकले हैं। हम अपने शरीर को चमका धमका सकते हैं पर आज तक दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी और किसी भी ऐसी कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकाला है जिससे हम हमारे मन को निर्मल बना सकें। वो तो भैया केवल एक ही कंपनी है, परमात्मा नाम की कंपनी। और परमात्मा नाम की कंपनी से ही श्रीमद् भागवत रूपी ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम हमारे मन को निर्मल बना सकते हैं। और दुनिया का फिर और कोई भी साधन नहीं है जिससे हम हमारे मन को निर्मल बना पाएं।